नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी यूट्यूब चैनल पे। देखिए, तमिलनाडु प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है। 12 तारीख से शाम को 7:30 बजे तमिलनाडु प्रीमियर लीग का पहला मैच खेला जाएगा, जहां पे एक तरफ होगी लाइका किंग्स की टीम और दूसरी तरफ होगी आई ड्रीम त्रिपुरम की टीम। ये मैच खेला जाएगा 7 बजे शाम को। किस वेन्यू पे खेला जाएगा, किस तरीके की वेन्यू होगी, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको एक ही चीज बोलूंगा, स्टार्ट से लेके टीएनपीएल की स्टार्ट से लेके एंड तक आप लोग बने रहिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, हर यूट्यूब चैनल जो आप देखते हैं उससे आपको अलग रखूंगा, भेड़ चाल से दूर रखूंगा। और जितने भी मैचेस है, 80% मैचेस मैं आपको जिताने वाला हूं, बस आपका लाइक सपोर्ट चाहिए। तो सारे लोग यहीं से वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए। बात करते हैं एक एक प्लेयर के बारे में कि क्या कुछ होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आप फ्री में जुड़ सकते हैं। जुड़ना कैसे, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, टॉस के बाद बहुत सारी अपडेट्स आती है, प्लेइंग 11 को लेके, पिच रिपोर्ट को लेके, वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए। सबसे पहले वेन्यू को लेके बात करते हैं, SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड काउंटर, जी हाँ, काउंटर, यहां पे मैच खेला जाएगा। देखिए, फ्रेश विकेट है तो आप ऐसा बोल सकते हो, द पिच एट द SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड लुक्स गुड फॉर बैटिंग। इसका रीजन देखिए मैं आपको बता देता हूं, फ्रेश विकेट है तो कहीं देखिए, ये एक आप ऐसा बोल सकते हो कि स्पिनर्स को छोड़ के, स्पिनर्स को थोड़ी सी कम मदद मिल सकती है, हालांकि यहां पे स्पिनर्स अच्छा कर लेते हैं। पहला मैच है, फ्रेश विकेट है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बैट्समैन को मिलेगा, स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मूवमेंट है जो कि पेसर्स को मिल सकता है। समझ गए, इस चीज को ध्यान में रखना। 160-170 वाली गेम आपको दिख सकती है। बाकी अगर आप लोग देखोगे यहां पे जो मैचेस खेले गए उनको लेके, देखिए 2022 में ये मैच हुआ था, एनआरके ने 208 किए एलके के, यहां पे जो टीम है लुशिया किंग, सॉरी, इन्होंने 209 बना लिए थे 8 विकेट पे, 14 में से 7 फास्टर 7 स्पिनर्स। ये आप देखोगे डीडी ने 138 किए, सीएसजी ने चेज कर लिया 9 विकेट में, 2 फास्टर्स को 7 स्पिनर्स को। ये आप देखोगे 157 किए आईटीटी ने और एलकेके ने 158 कर लिए, 7 में से 1 फास्टर्स को, 6 स्पिनर्स को, 30 में से 10 फास्टर्स को, 20 स्पिनर्स को। जैसा कि मैंने बोला कि यहां पे तमिलनाडु में स्पिनर्स अच्छा कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी फ्रेश विकेट दिख रही है तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ बता दूं, हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग, एवरेज, देखिए समझना एक चीज, यहां पे चेजिंग टीम को थोड़ा सा बेनिफिट है। चेजिंग टीम है ना, जो टीम चेज करती है उस टीम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज मिलता है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चेजिंग टीम ने यहां से अच्छा किया है। विकेट्स का देखोगे यहां 14 विकेट्स गिरी, बाकी यहां देखोगे 9 है, यहां पे 7 है। यहां पे अगर आप एलकेके की टीम को देखोगे जो आज जो खेलने वाली है फर्स्ट मैच, इस वेन्यू पे अच्छा किया है, यहां 209 चेज किए, यहां पे 157 चेज कर लिए, तो ध्यान में रखिएगा। बाकी देखोगे टोटल 8 विकेट्स गिरी है, 3 फास्टर्स, 8 मैच खेले गए, 3 बैटिंग फर्स्ट ने, 5 चेजिंग करने वाले ने, 5 मैच चेजिंग करने वाले ने। जैसा कि मैंने बोला, थोड़ी सी जो टीम चेज कर रही है उसको बेनिफिट है। 157 का एवरेज स्कोर है, स्कोरिंग देखोगे तो आपको 150 से नीचे का 4 नंबर दिखेगा, जो कि काफी बड़ा नंबर है जब आप लोग 8 मैच खेलते हैं, लेकिन इस मैच में नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगी, मैचेस आते जाएंगे, फिर थोड़ा सा स्लो होता जाएगा 190 प्लस एक मरतबा, बाकी 150 और 170 के बीच गेम रह सकती है। हेड टू हेड मैच देखिए, टोटल 8 मैच खेले गए, 6 एलकेके ने, आईटीटी ने 2, यानी कि एलके है वो थोड़ी सी बैटर नजर आई है। यहां देखोगे 2022 में ये एलके ने जीता, यहां देखोगे ये भी, सॉरी, ये आईटीटी ने जीता, यहां दोनों बराबर ही। यहां पे तुषार अहेजा देखोगे फ्लोप है, मोहम्मद को 0 विकेट है, सुरेश कुमार ने 83 किए, शाही सुदर्शन ने 68, शाहरुख खान 0 विकेट, बैटिंग नहीं मिला, मुकिलेश 0, उसके बाद देखोगे दिवाकर को 0।
यहां देखोगे मोहम्मद भाई ने चार विकेट निकाली, यहां पे करुपस स्वामी ने एक विकेट निकाली, सुरेश फ्लोक थे, शाही सुदर्शन ने यहां छक्का किया, शाहरुख खान 15, मुकेले 26+2, दिवाकर 2 विकेट, कुछ इस तरीके से रहा था, जहां पे शाही सुदर्शन और सुरेश कुमार ने भी लगभग ठीक ठाक किया। अब देखिए 6 ओवर्स के पावर प्ले में आखिर यहां पे होता क्या है, समझना इस चीज को। देखिए यहां दोनों में एक एक विकेट गिरी, यहां फर्स्ट में 3, सेकंड में 0, सॉरी फर्स्ट में 0, सेकंड में 1, फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, फर्स्ट में 0, सेकंड में 2, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, यानी कि 1, 2 और 3, तीन इनिंग्स ऐसी हुई जहां पे पावर प्ले में विकेट नहीं गिरी, अदरवाइज हर इनिंग्स में पावर प्ले में विकेट देखने को मिली है। ये ध्यान में रखना, बाकी इक्वल सा रहा है, कभी फर्स्ट में ज्यादा, कभी सेकंड में, कभी इक्वल सी रही है। बाकी आप देखोगे सबसे पहले लाइका कवाई किंग्स की प्लेइंग 11, देखिए सुरेश कुमार विकेट कीपिंग करते हैं, रिसेंट फॉर्म आप देखोगे बढ़िया है, शानदार प्लेयर है। सुजय देखोगे तो आपको रिसेंट फॉर्म उतना खास दिखेगा नहीं, लेकिन अभी रिसेंट में कुछ सीरीजेस हुई थी वहां पे इन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी की दिक्कत है। शाही सुदर्शन आपको पता है आईपीएल खेल के आ रहे हैं, लखनऊ सॉरी गुजरात टाइटंस के लिए क्या इनिंग्स बिल्ड किए इन्होंने, लास्ट 96 है। शाहरुख खान पंजाब के लिए खेल रहे थे, उतनी ज्यादा बैटिंग नहीं मिली, लेकिन जितनी भी बैटिंग इनको मिली इन्होंने अच्छा किया। मुकेश का देखोगे आपको कुछ शानदार इतना दिखेगा नहीं, राम अरविंद का देखोगे तो 22-26, 22-18 आप ऐसा बोल सकते हो कि एवरेज पॉइंट आपको देते हैं। अतीक रहमान का देखोगे तो इनके भी आपको ठीक ठाक स्टैट्स दिखेंगे, मोहम्मद के देखोगे तो इनके भी आपको ठीक ठाक स्टैट्स दिखेंगे, इनफैक्ट आपको ये डैथ में भी दिख जाएंगे। किरण आकाश का देखोगे तो इनके भी आपको ठीक ठाक स्टैट्स दिखेंगे, ये भी आपको डैथ में दिख सकते हैं। दिवाकर का देखोगे तो इनके भी आपको विकेट्स दिखेंगे, ये मीडियम ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं। सिद्धार्थ का देखोगे 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, तो इन्होंने भी ठीक ठाक किया, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी फुल स्टैट्स का अगर हम लोग बात करते हैं, सुरेश कुमार विकेट कीपिंग से हमें लेना है, 2 मैच में 41 का एवरेज है, हेड टू हेड में वेन्यू पे 4 मैच में 37 का, गेम चेंजर कैप्टन बन सकते हैं, ध्यान में रखना गेम चेंजर कैप्टन बन सकते हैं सुरेश कुमार। सुजय का देखोगे हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे नहीं है, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी की इनमें दिक्कत रहती है, वो चीज ध्यान में रखना। शाही सुदर्शन 2 मैच 59 का एवरेज, वेन्यू पे 4 मैच में 43 का, दोनों जगह बढ़िया है, सेफ कैप्टनसी अगर आप स्मॉल लीग में आपको देनी है तो फिर शाही सुदर्शन आपके लिए रहेंगे। शाहरुख खान 4 मैच 18 का एवरेज, वेन्यू पे 3 मैच में 42 का, ये भी अगर इस पोजीशन पे खेलते हैं, हालांकि ये नीचे जा सकते हैं, इस पोजीशन पे खेलते हैं बढ़िया पिकअप, पहले बैटिंग करें ध्यान में रखना, थोड़ी बहुत तमिलनाडु प्रीमियर लीग में ये गेंदबाजी भी करते हैं, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ मुकेश का देखोगे 2 मैच 13 का एवरेज है, वेन्यू पे 3 मैच में 7 का, इनमें भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी की दिक्कत रहती है, किसमें मुकेश में तो मैं आपको उतना सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद देखोगे राम अरविंद का देखोगे हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे भी नहीं खेले हैं, राम अरविंद कहीं ना कहीं आपके लिए वो डिफरेंशियल पिक बन सकती है, समझ रहे हो इस चीज को, आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकती है राम अरविंद, तो इसका आप ध्यान में रखना। उसके अलावा देखोगे अतीकुर रहमान है, अगर पहले बैटिंग करती है ज्यादा फोकस करना, हेड टू हेड वेन्यू नहीं है, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग आपको देंगे। मोहम्मद को आप लेके चलिए, 3 मैच में 4 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू में 2 में 3 है, ऑफकोर्स मैं लूंगा। किरण आकाश उनमें से एक है, हेड टू हेड वेन्यू पे अगर आप लेना चाहो ऑफकोर्स ले सकते हो, लेकिन ज्यादा बैटर यहां पे सिद्धार्थ रहेंगे। आर दिवाकर 1 मैच 2 विकेट, वेन्यू पे खेले नहीं है, मीडियम ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, पेस उतनी इनके पास नहीं है, मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं। सिद्धार्थ को मैं लूंगा 3 मैच 0 विकेट, वेन्यू पे देखोगे 2 मैच में 2 विकेट है, तो यहां से अतीक आपके लिए ठीक है, मोहम्मद ठीक है, और अगर आप ऐड करना चाहो तो यहां से सिद्धार्थ को ऐड कर सकते हो। बाकी बैंक से कृष्णप्पा गौतम अगर खेले ध्यान में रखना, चांसेस कम है, सुब्रमण्यम है, ओम प्रकाश है, यदुवेश्वरन है और विद्युत है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे प्लेइंग 11 आई ड्रीम तिरू की, देखिए तुषार अहेजा रिसेंट फॉर्म आप देखोगे उतना ठीक नहीं है, स्टार्ट मिलता है, बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाते, ये नीचे भी आ सकते हैं, इनमें थोड़े से चैलेंजेस होते रहते हैं। राजनंदन विवेक है, 61 है, 12+0 22+3, तो ये शानदार पिक है, इनका भी आप ऐसा बोल सकते हो, यहां पे मैंने एज ए ओपनर रखा है लेकिन ये नीचे भी आ सकते हैं। विजय शंकर का देखोगे आईपीएल में टाइटंस के लिए काफी बढ़िया किया, अनुरुद्ध सीताराम का देखोगे तो 2 इनिंग्स निकली है, यहां पे 51 है, यहां पे 58 है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेते हैं।
चतुर्वेद का देखोगे तो चतुर्वेद की आपको बढ़िया ठीक ठाक इनिंग्स यहां पे दिखेगी, बढ़िया प्लेयर है चतुर्वेद। शाही किशोर का देखोगे तो बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज इन तमिलनाडु प्रीमियर लीग। विशाल वैद्या का देखोगे तो 49 है 84 है 85 है इनिंग्स निकली है। तिलोक नाग का देखोगे तो इनके भी ठीक ठाक स्टैट्स है, डेथ में आ सकते हैं। अपरेश स्वामी है 0-0-1 मीडियम ओवर्स में आते हैं। अजीत राम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं, आप देख सकते हैं उतने खास स्टैट्स नहीं है लेकिन हाँ विकेट्स निकाली है। मंगीनंदन देखोगे 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट ये आपको डेथ में दिख सकते हैं। देखोगे त्रिलोकनाथ परिश्वामी और मंगीनंदन इनमें से डेथ में आपके लिए गेंदबाजी करने के लिए आए। अगर आप लोग देखोगे तुषार अहेजा, तुषार अहेजा 3 मैच में 9 का एवरेज है, वेन्यू पे 2 मैच में 19 का, कहीं ना कहीं मुझे इनकी कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम लगती है, तो स्मॉल लीग में आपके लिए फिर रिस्की बन जाते हैं। राजेंद्र विवेक का देखोगे 1 मैच 22 रन 3 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 61 रन किए, गेंदबाजी करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये ओपन करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, लेकिन प्लेयर बढ़िया है। विजय शंकर 1 मैच 1 विकेट, वेन्यू पे ये खेले नहीं है। अब देखिए आईपीएल में तो अच्छा करके आ रहे लेकिन वहां पे गेंदबाजी नहीं करते, यहां पे इनके गेंदबाजी करने के चांसेस रहते हैं। अनिरुद्ध सीताराम का देखोगे 3 मैच 6 का एवरेज है, वेन्यू पे खेले नहीं है, कहीं ना कहीं हेड टू हेड में लाइका के अगेंस्ट ये फंसते तो अनिरुद्ध वहां पे थोड़े से प्रॉब्लम बनते हैं। बाकी चतुर्वेद 4 मैच 36 का एवरेज, वेन्यू पे खेले नहीं है, इंपोर्टेंट पिक रहेगी। शाही किशोर 8 मैच 11 विकेट, 2 मैच में 2 विकेट जो कि वेन्यू पे है, तो शाही किशोर को भी आप यहां से टीम में रख सकते हो। बाकी देखोगे विशाल विद्या 4 मैच 24 का एवरेज, वेन्यू पे 1 मैच में 2 रन किए, अगर इस पोजिशन पे आते हैं तो मैं आपको ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं। बाकी तिलोक नाग 1 मैच 1 विकेट, वेन्यू पे नहीं खेले। परेश्वामी देखोगे 3 मैच 4 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट है। अब एक चीज ध्यान रखना, इनमें से एक को रखना, अगर आप चाहो तो फिर अजीत राम के साथ भी जा सकते हो, हेड टू हेड नहीं खेले, वेन्यू पे 4 मैच में 4 विकेट है, लेफ्ट आर्म करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो पहला मैच है उतना शायद स्पिन को विकेट ना मिले, तो वो चीज ध्यान में रखना, बाकी ले सकते हो। यहां पर आप देखोगे मणिगंधन हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट है, अगर यहां से आप किसी को रखना चाहो मणिगंधन बोलूंगा। इनमें से जो तिलोक नाग है और जो परिश्वामी है इनमें से आप किसी एक को रख सकते हो, समझ गए इस चीज को। बाकी अगर आप देखोगे कृपू स्वामी है, राहुल हरीश है, बालचंद्र अनिरुद्ध है, भुवनेश्वरन है और राधा कृष्णन है, इनमें से मौका मिले तो ध्यान में रखना। यहां पे आप देखोगे 1 मैच में 25 रन अनिरुद्ध ने, कृपा स्वामी ने 1 मैच में 1 विकेट निकाली, 4 रन है, बाकी आपको कुछ ज्यादा स्टैट्स दिखेंगे नहीं। प्लेयर्स बैटल में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा, एक तो सुरेश कुमार को राजवर्धन ने 1 बार, सुजय को मणिगंधन ने 1 बार, परिश्वामी ने 1 बार, शाही सुदर्शन को यहां पर देखोगे परियश स्वामी ने 1 बार आउट किया, शाहरुख खान को परियश स्वामी ने 1 बार, शाही किशोर को 2 बार आउट किया, मुकलेश को शाही किशोर ने 2 बार आउट किया, सॉरी शाही किशोर नहीं, ये रवि शाही कृष्ण ये दूसरे हैं। राम अरविंद का देखोगे यहां पे कोई मैचअप मिला नहीं है। बाकी अगर आप लोग देखोगे तुषार अहेजा कोई मैचअप नहीं है, राजेंद्र विवेक है, किरण आकाश ने 2 बार आउट किया, स्ट्राइक रेट ठीक है, दिवाकर ने है जो कि 1 बार आउट किया हुआ है। बाकी आप देखोगे विजय शंकर का कोई मैचअप नहीं है, अनिरुद्ध का कोई मैचअप नहीं है, एनएस चतुर्वेद को शाहरुख ने 1 बार, विशाल वैद्या को है वो आप देख सकते हैं शाहरुख खान ने है वो 1 बार आउट किया, किरण आकाश को 1 बार, यानी कि विशाल वैद्या एन चतुर्वेद ये लेफ्ट हैंड के सामने है, ये गेंदबाजी करने के लिए शाहरुख खान आ सकते हैं, बस वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर आप लोग देखोगे फुल स्टैट्स की तरफ, सॉरी यहां पे मैंने सुरेश को रखा, शाही सुदर्शन कैप्टन, शाहरुख खान है, के विशाल है, सुजय है, सुजय को ड्रॉप कर देना, ये मैं शायद कोशिश करूंगा कि इनको ना लूं, विजय शंकर है, किरण है, सिद्धार्थ है, मोहम्मद है, आर शाही है जिनको मैंने वाइस कैप्टन से दिया और मणिगंधन है, 1 बार के लिए मैंने ये टीम रखी है, लेकिन इसमें आप रवि अनिरुद्ध है इन वगैरह को है वो ट्राई कर सकते हो, ये इनिशियल टीम है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, सारे अपडेट्स देता रहूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।